नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आज हम जो कहानी देखने वाले हैं दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है ये जिस लड़की की कहानी है उसका नाम है साशा साशा हमसे ये कहती है कि उसको एक ऐसी बीमारी हुई थी उसने डायरेक्टली बताया नहीं है कि कौन सी बीमारी लेकिन वो जानलेवा बीमारी थी और साशा ये कहती है कि मुझे तब से मौत को लेकर बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और इस तरीके से मतलब एक डेढ़ साल वो बीमारी बहुत ही मतलब बुरा हाल उसने किया था साशा का और साशा बाद में ये कहती है कि एक दिन उसकी हालत इतनी मतलब बुरी हो गई थी कि उसको सांस भी लेना बहुत ही मुश्किल हो रहा था और उसके साशाह हमसे यह कहते हैं कि बाद में मतलब वो बेहोश हो गई वो औचित हो गई और बाद में वो यह कहते हैं कि उसने अपने आप को एक अलग ही दुनिया में पाया वो दुनिया इस तरीके से थी दोस्तों जहां पर मतलब सुंदर सुंदर घर थे मतलब एक सुंदर सा एक नगर जैसा था वो और साशा बाद में यह कहते हैं कि वहां पर सारे लोग बहुत ही खुश दिख रहे थे और उसके बाद साशा ने अपने सामने एक सुंदर मतलब आत्मा को आते हुए देखा साशा यह कहते हैं कि पृथ्वी पर जैसे एक इंसान का रुतबा जो होता है वो कहीं ना कहीं इंसान की मतलब छवि दर्शाता है या फिर किसी का रुतबा देखकर हम कह सकते हैं कि ये कितना बड़ा इंसान है वैसे ही उस आत्मा को देख कर ही बड़, बड़, मतलब लग रहा था कि ये कितना पवित्र है, ये कितना है या फिर ये ज्ञानी मतलब पवित्र आत्मा है और उस पवित्र आत्मा ने बाद में साशा को ये कहा कि तुम्हें मौत को लेकर ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है अगर तुम्हारे अच्छे कर्म होंगे तो मौत के बाद तुम बहुत ही अच्छी दुनिया में चली जाओगी और साशा ये कहते हैं कि उस दुनिया में उसको इतना सुंदर लग रहा था कि जिसके मतलब पृथ्वी पर हम सुंदर से सुंदर जगह पर भी जाएंगे फिर भी वहां पर इतना सुंदर नहीं लगा लगेगा जितना उसको वहां पर सुंदर लग रहा था और बाद में उस पवित्र आत्मा ने साशा को यह कहा कि तुम मौत को लेकर अभी डरती हो क्या तब साशा ने यह कहा कि मेरे दिल में मौत को लेकर हमेशा डर बना रहता था लेकिन आज इस दुनिया में आकर मुझे सच में बहुत ही अच्छा लग रहा है अब मैं जरा भी नहीं डरती मौत को लेकर और उस पवित्र आत्मा ने बाद में यह कहा कि जो दुनिया तुम देख रही हो इससे भी सुंदर दुनिया हो सकती है तुम्हारी अगर तुम अपने जीवन में बहुत ही अच्छे से कर्म करोगी तो तुम्हें अपने जीवन में बहुत बार तुमने मतलब स्वार्थी ही विचार किए हैं और इसलिए तुमने अपने आप का बहुत बार नुकसान किया है स्वार्थी विचार करके हो सकता है कि तुमने कुछ पाया होगा लेकिन जब तुम आत्मलोक में चली जाओगी तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने स्वार्थी विचार करके जितना पाया है उससे बहुत ही ज़्यादा मतलब तुमने खोया है तो इस तरीके से तुम अपने जीवन में कुछ भी कर्म नहीं करना साशा ये कहते हैं कि उन्होंने एकदम बराबर बात कही थी वो हमेशा मतलब स्वार्थी उसके विचार थे और जब से यह बीमारी हुई है वह हमेशा अपने ही बारे में सोचती थी कि मैं अगर मरी गई तो या फिर मुझे नहीं मरना या फिर दुनिया तो कितनी सुखी है वह हमेशा मतलब दुनिया के साथ अपना कंपेरिजन करती थी और यही कि सोचती थी कि मैं ही बुरी हूँ या फिर पहले तो जब उसकी बीमारी नहीं थी और जब उसकी जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी तब तो वो सिर्फ हमेशा अपने ही बारे में सोचती थी उस पवित्र आत्मा ने यह कहा कि तुम्हें इस तरीके से जीवन में आगे नहीं बढ़ना होगा तुम अगर बहुत ही अच्छे से कर्म करोगी तो तुम इस दुनिया में बहुत ही अच्छी जगह पर जा सकोगी और उस दुनिया में तुम्हारे साथ तुम्हें सच्चा प्यार करने वाले लोग तुम्हारे हमेशा साथ होंगे तो तो तुम्हें इन सारी चीज़ों को लेकर ज़रा भी चिंता मत करना साशा ये कहते हैं कि हाँ मैं इसी तरीके से आगे बढ़ूंगी और बाद में उस पवित्र आत्मा ने साशा को ये कहा कि अब तक तुम्हारा ये समय नहीं आया है यहाँ पर आने का इसलिए जितना हो सके अब तुम्हें जो समय मिल रहा है पृथ्वी पर उसका तुम जितना हो सके बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना और बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ना साशा ये कहते हैं कि मैं मतलब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ गई और उसने भी उनको वादा किया कि मैं जितना हो सके हमेशा दूसरों के बारे में सोचूंगी और जो हमेशा दूसरों को खुशियाँ देने के बारे में सोचूंगी अब मैं ज़रा भी स्वार्थी विचार नहीं करूँगी और बाद में साशा ये कहती है कि वो बाद में फिर से पृथ्वी पर लौट आई और पृथ्वी पर आने के बाद दोस्तों उसकी जो मतलब पहले उसके शरीर पर उसके जो दवाइयाँ थी वो असर नहीं कर रही थी लेकिन अब वो धीरे धीरे मतलब कहीं ना कहीं असर कर रही थी और जैसे मतलब मुरजा अनिता मुर्जानी जी का भी वैसे ही हुआ अब कि पहले उस पर मतलब दवाई असर नहीं कर रही थी लेकिन वैसे ही साशा के साथ हुआ और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मतलब रिकवर होती गई और उसके बाद साशा ये कहती है कि मैं कहीं ना कहीं उस जीवन में मर ही गई थी लेकिन आज मेरा मुझे जो नया जन्म मिला है उसका मैं जितना हो सके बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करूंगी और आज साशा कहीं ना कहीं दूसरों के दुख दर्द समझती है जो पहले नहीं समझती थी और जितना साशा ये कहती है कि मैं जितना हो सके लोगों को आज मतलब पैसों से भी मदद करने की कोशिश करती हूँ किसी को अन्नदान के दे, मतलब देना देकर भी मदद करने की कोशिश करती हूँ किसी को मैं कुछ भी नहीं कर सकती तो कम से कम उसके साथ बहुत ही अच्छे से बात करती हूँ उसको मॉरल सपोर्ट करती हूँ और इस तरीके से साशा आज बहुत अपने मतलब बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ रही है दोस्तों ये जो साशा की कहानी है दोस्तों कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन में बहुत बार हम बस अपने बारे में ही सोचते हैं कि मेरा ऐसा है मेरा वैसा है लेकिन एक मतलब एक बहुत ही अच्छे इंसान ने जो बहुत ही बड़े थे उन्होंने इस तरीके से कहा था कि कभी कभी मतलब हम सरकारी अस्पताल में जाकर हमें देखना चाहिए कि हम अपने मतलब दुख को लेकर बैठे हैं लेकिन वहाँ पर कैसे कैसे लोग होते हैं और उनका कभी कभी तो वो अकेले ही स्टेज मतलब बेड पर होते हैं उनका कोई करीबी भी नहीं होता उनको मदद करने के लिए इसलिए जितना हो सके दोस्तों हमें मतलब अपने आप को ही हमेशा नहीं देखना चाहिए जितना हो सके हम दुनिया में भी इतना बड़ा दुख है और ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ थोड़ा बहुत कर सका तो कम से कम मतलब हम उनके लिए कुछ ना कर सके मतलब अपनी परिस्थिति इतनी नहीं है कि मैं किसी को मदद कर सकूँ तो जितना हो सके हम उनके लिए दिल से प्रार्थना भी करें तो ये भी बहुत बड़ी बात है इसलिए जितना हो सके दोस्तों खुद के बारे में सोचने से अच्छा है कि हम दुनिया के बारे में कुछ सोचा और उस तरीके से मतलब जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करें या फिर उनको मदद करने की कोशिश करें ऐसे जो कर्म होते हैं इसको हम कह सकते हैं कि निस्वार्थ मतलब रीति से किया हुआ कर्म ऐसे जो कर्म होते हैं उससे हमारे आत्मा का जो विकास है वो बहुत ही अच्छे से हो सकता है और दूसरी ये बात हमें मतलब ये कहानी सिखाती है दोस्तों कि हम बहुत बार ऐसे ही लोग मतलब मैंने भी देखे है कि जो बहुत डरते हैं इस तरीके से कि मृत्यु के परे मतलब मैं नष्ट हो जाऊँगा वगैरह मैं आपको सच कहता हूं कि अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें डरने की जरूरत नहीं है और मौत के परी की दुनिया इतनी अच्छी है इसलिए मुझे जीना ही नहीं है ऐसे भी कहने वाले लोग हैं तो मैं आपको सच कहूँ तो जैसे साशा के बहुत मतलब कर्म आज बहुत ही अच्छे से वो कर रही है वैसे ही हमारे बहुत ऐसे जीवन कर्तव्य होंगे जो हमें पूरे करने इसलिए अब आज मतलब इस दुनिया में हम जी रहे इसलिए जितना हो सके हमें जीवन कर्तव्य को बहुत ही अच्छे से समझ कर आगे बढ़ना होगा और जैसे हमारे जीवन कर्तव्यों को बहुत ही अच्छे से हम पूरा करते हैं तो हमारी आत्मालोक की जो जगह है वो इतनी सुंदर होगी दोस्तों इसलिए मुझे जल्दी जाना है इस तरीके से भी हमें नहीं सोचना और मरने को लेकर भी हमें नहीं डरना मुझे लगता है कि जिंदगी हमें क्यों मिली है उसको समझ हम बहुत ही अच्छे से जीवन में आगे बढ़े दूसरों दुस, को निस्वार्थ तरीके से खुशियाँ देने की कोशिश करें तो ये बात हमारी आत्मा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना आपका बहुत बहुत धन्यवाद की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज्यादा दुखी है जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोस भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें पाँच मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें पी किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेजी में है जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद